मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। माँ, अगर उन्होंने हम पे केस कर दिया तो नहीं, मुझ पे केस करे तो ठीक है, लेकिन आप पर नहीं होना चाहिए। क्या बड़बड़ा रही है? कैसा केस? हाँ, बहुत बोली है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई, बिल्कुल आप पे गए, गुस्सा तेज है लेकिन दिल एकदम साफ। लेकिन महक भाभी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि महक भाभी कुछ गलत करेंगी, फिर भी माँ सोचने की बात है कि कुछ भी हो सकता है। लल्ला की क्या मति भ्रष्ट हो गया जीजी की तरफ? तू समझा ना इसको, रोक इसको। वो कुछ समझने और सुनने को तैयार ही नहीं है मासी। अब वो जहां जाएगा मैं उसके साथ जाऊंगी। शौर्य, तुम कभी माँ के बिना नहीं रह पाओगे। तुम इस घर से दूर कभी रहे ही नहीं हो। आज तुम अपनी प्रॉपर्टी ही नहीं, अपनी हंसी भी साइन ऑफ कर रहे हो। भाई ने कुछ कहा ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि भाई और महक भाभी क्या करने वाले हैं, उनका प्लान क्या है। हमको एंटिसिपेट करना है कि क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे। इतना सीधा नहीं है मेरा प्यारा भाई, पता नहीं क्या करने वाला होगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, बाय। माँ, सूरज था, उसको यही बता रही थी कि भाई ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कह रहे। क्या होगा, क्या गुजरेगी उन पे। माँ, क्या हुआ? वो खुराना जी नीचे आए हैं, पेपर्स भी सारे खुल चुके हैं, पता ही नहीं क्या चल रहा है। मेरे साथ नीचे चल। प्लीज चलिए माँ, मैं हूँ ना आपके साथ, चलिए।